नमस्कार दोस्तों, सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल संजीवनी टेक को और दबाइए इस बेल आइकॉन को हमारे लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आज के इस वीडियो में। आज के इस वीडियो में ईपीएफओ द्वारा जो लेटेस्ट सर्कुलर पीएफ खाता धारकों के लिए जारी किया गया है, जिसमें उन्होंने साल 2018-19 के लिए जो ब्याज दरें घोषित की है, तो उसी के बारे में जो है दोस्तों इस सर्कुलर में जानकारी दी है। तो जी हां दोस्तों, लंबे समय से पीएफ खाता धारक जो है वो इंतजार कर रहे थे कि साल 2018-19 का जो ब्याज है वो उनके अकाउंट में जो है वो कब क्रेडिट होगा। तो जी हां दोस्तों, अभी ईपीएफओ की तरफ से भी आधिकारिक तौर पर इसकी घोषणा जो है वो इस सर्कुलर के माध्यम से कर दी गई है कि ईपीएफओ खाता धारकों को साल 2018-19 के लिए जो ब्याज दर है वो 8.65% दिया जाएगा। तो जी हां दोस्तों, इसी के बारे में जो सर्कुलर ईपीएफओ द्वारा जारी किया गया है, तो उसकी जानकारी अभी मैं आपको इस वीडियो में देने वाला, तो आप जो है दोस्तों इस वीडियो के साथ अंत तक बने ताकि ये जो इंपॉर्टेंट अपडेट पीएफ खाता धारकों के लिए है तो इसकी जानकारी आप सभी पीएफ खाता धारकों को मिल सके। और दोस्तों, पीएफ से जुड़े हर खबर जानने के लिए अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो वीडियो के नीचे जो रेड कलर का बटन है उसे प्रेस करके आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और उसके बाद जो बेल का बटन आएगा उसे भी आप प्रेस कर दीजिए ताकि जो आने वाले अपडेट है वो आपसे किसी भी तरह से मिस ना हो सके। तो चलिए दोस्तों, कर्मचारी भविष्य निधि संगठन श्रम एवं रोजगार मंत्रालय भारत सरकार द्वारा ये जो सर्कुलर 27 सितंबर 2019 को सभी प्रभारी क्षेत्रीय भविष्य निधि आयुक्त क्षेत्रीय कार्यालय को जारी किया गया है और इसमें बताया गया है कर्मचारी भविष्य निधि सदस्य के खाते के लिए वर्ष 2018-19 के लिए ब्याज दर की घोषणा के संदर्भ में। तो जी हां दोस्तों, साल 2018-19 के लिए जो ब्याज दर की घोषणा की गई थी तो उसके संदर्भ में जो है दोस्तों यहां पर ये जो सर्कुलर है वो जारी किया गया है। आगे इस सर्कुलर में बताया गया है, महोदय, श्रम एवं रोजगार मंत्रालय भारत सरकार ने कर्मचारी भविष्य निधि योजना 1952 के पैरा 60(1) के तहत कर्मचारी भविष्य निधि योजना 1952 के पैरा 60 के अंतर्गत उपबंध के अनुसार कर्मचारी भविष्य निधि योजना के प्रत्येक सदस्य के खाते में वित्तीय वर्ष 2018-19 के लिए 8.65% की दर से ब्याज देने के लिए केंद्र सरकार ने अनुमोदित की सूचना दी है। तदनुसार आपसे अनुरोध है कि उक्त ब्याज को सदस्य के खाते में जमा करने के लिए सभी संबंधितों को आवश्यक निर्देश जारी करें। पत्राधिकार पत्र श्रम एवं रोजगार मंत्रालय भारत सरकार ने पत्र संख्या R110/1/2017/SM-2 दिनांक 24 सितंबर 2019। तो जी हां दोस्तों, यहां पर जो श्रम और रोजगार मंत्रालय ने जो पत्र जारी किया था तो उसका नंबर भी यहां पर दिया गया है। आगे यहां पर इस सर्कुलर की जो प्रतिलिपि भेजी गई है तो उन ऑफिसर्स के नाम जो है दोस्तों यहां पर दिए गए हैं, जैसे कि केंद्रीय भविष्य निधि आयुक्त के निजी सहायक, केंद्रीय न्यास बोर्ड के सभी सदस्य, निर्देशक पीडनास नई दिल्ली, सभी आंचलिक उपनिर्देशक, सभी आंचलिक लेखा परीक्षा अधिकार, अपर केंद्रीय भविष्य निधि आयुक्त को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु, उसके बाद प्रभारी अधिकारी आंचलिक प्रशिक्षण संस्थान कोलकाता, उज्जैन, फरीदाबाद एवं चेन्नई तथा उप आंचलिक प्रशिक्षण संस्थान शिलांग को जारी किया गया है। मुख्यालय के सभी अधिकारी और अनुभाग, सभी आंचलिक अपर केंद्रीय भविष्य निधि आयुक्त, नियोक्ताओं के केंद्रीय संगठन, कर्मचारियों के केंद्रीय संगठन, सभी ट्रेड यूनियन, निर्देशक श्रम एवं रोजगार मंत्रालय नई दिल्ली, निर्देशक बजट वित्त मंत्रालय, आर्थिक मामले विभाग, बजट प्रभाग नई दिल्ली, क्षेत्रीय भविष्य निधि आयुक्त -1 राष्ट्रीय डाटा केंद्र इस आदेश को कर्मचारी भविष्य निधि संगठन की वेबसाइट पर अपलोड करें। तो जी हां दोस्तों, यहां पर इन सभी को ये जो सर्कुलर है तो इसकी कॉपी जो है वो फॉरवर्ड कर दी गई है। ईपीएफओ खाता धारकों के लिए ये जो बड़ी खुशखबरी निकल कर आ रही थी, जिसके तहत इस सर्कुलर के माध्यम से पीएफ खाता धारकों के अकाउंट में जो है दोस्तों अभी 8.65% की दर से ब्याज को क्रेडिट करने के लिए यहां पर निर्देश दिए गए हैं। तो जी हां दोस्तों, इसी गुड न्यूज के बारे में अभी मैंने आपको इस वीडियो में जानकारी दी। वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिए और दूसरों के साथ शेयर जरूर कीजिए ताकि उनको भी पता चल सके कि उनके अकाउंट में जो है दोस्तों अभी ब्याज की रकम जो है वो आ जाएगी। तो चलिए दोस्तों, आज के इस वीडियो में बस इतना ही। आगे भी ऐसे अपडेट जानने के लिए अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो वीडियो के नीचे जो रेड कलर का बटन है उसे प्रेस करके आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और उसके बाद जो बेल का बटन आएगा उसे भी आप प्रेस कर दीजिए ताकि जो आने वाले अपडेट है वो आपसे किसी भी तरह से मिस ना हो सके।
इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको कोई सवाल है या फिर कोई कमेंट है तो आप इस वीडियो के नीचे जो कमेंट बॉक्स है वहाँ पे कर सकते हैं। और साथ में दोस्तों, अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार विजिट करें तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और जो उसके बाद बेल का आइकॉन आएगा उसे भी आप प्रेस कर दीजिए ताकि मेरे जो आने वाले वीडियोज़ है वो सबसे पहले आपको देखने को मिल सके।